आप कुछ भूल रहे हैं। नहीं, फोन, वॉलेट, वॉच सब तो है। फोन, वॉलेट, वॉच नहीं भूल रहे तुम्हारे भाई। तो क्या भूले? सॉरी बोलना भूल गए। माता रानी, माता रानी। मैंने आज तक किसी को सॉरी नहीं बोला। हर चीज का फर्स्ट टाइम होता है। होता तो है। होता होगा, पर आज नहीं, क्योंकि मैं चोरों को कभी सॉरी नहीं बोलता। फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं चोर नहीं हूं। अरे हाँ, आप तो सल्ला आंटी के असिस्टेंट हो। आप मत बोलो भाई, मत बोलो। बस वो चोर वाला पॉइंट यहाँ अप्लाई नहीं होता ना। आपके मुंह से सॉरी सुने बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। कौन है तू? सावित्री? चीखने की आवाज आई ना तो जस्ट लीव। दादी क्या हुआ? कौन चिल्ला रहा था? ये फ्रेम कैसे टूटा? वो कॉकरोच देख के डर गई थी मैं। कॉकरोच ने फ्रेम तोड़ दिया? जिम जाने वाला कॉकरोच। ओह, कॉकरोच देख के मैं डर गई, तो मेरा हाथ लग गया तो फ्रेम टूट गया। सॉरी। इट्स ओके दादी, हमारे घर में कॉकरोच प्रॉब्लम है। अरे बस कुछ दिन और फिर शादी हो जाएगी, फिर विदाई, एंड देन कॉकरोच गॉन। हट चिपड़ा कहीं का। हम तो डर ही गए थे। डर तो मैं भी गई थी। कहीं मेरी वाली आंटी जी तो नहीं चीखी? कैसे पता करूं? सॉरी माइक, अभी बात नहीं कर सकती। एक बार आंटी जी को ढूंढ के सही सलामत हॉस्पिटल पहुंचा दूं, उसके बाद बात करूंगी। क्या करूं, कैसे पता करूं मैं? घर के अंदर जाकर सबको बता देती हूँ कि आंटी जी मेरे साथ हैं। फिर चाहे वो मिस्टर 3-in-1 एटीट्यूड दे, चाहे पुलिस बुलाए, मैं आंटी जी को प्रॉब्लम में नहीं छोड़ सकती। घर के अंदर जाकर सबको बता देती हूँ कि आंटी जी मेरे साथ हैं। फिर चाहे वो मिस्टर 3-in-1 एटीट्यूड दे, चाहे पुलिस बुलाए, मैं आंटी जी को प्रॉब्लम में नहीं छोड़ सकती।
दादी जी आप ठीक है ना? वो कौन? वो जी हाँ चले चलो मुझे जाना है। मैं वापस ले चलती हूँ, आइए बैठ जाना बैठ। कितने गई? इतने सालों से ये इस पिंजरे में बंद थी, कभी कुछ नहीं हुआ। आज अचानक ये पिंजरा खुल कैसे गया? तुम्हें मैं इसे यहां रखने के पैसे देती हूं, बाहर घूमने देने के नहीं। आज ये मेरे घर तक पहुंच गई थी। इसकी यादों को जिस घर में आने की इजाजत नहीं, वहां ये खुद कैसे पहुंच गई? जाल बुनने में बरसों लगते हैं और टूटने में एक पल। आज तो ये पल टल गया। अगर ये दोबारा यहां से निकली तो मेरे साथ साथ तुम भी बचोगे नहीं डॉक्टर। I'm sorry, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मैं पर्सनली इनकी सिक्योरिटी बढ़ा दूंगा और दवाइयों की डोज भी, ताकि ये कभी नॉर्मल ना हो पाए। इसे ऐसी दवाइयां दो कि इसके सही होने की उम्मीद ही खत्म हो जाए। जी, लेकिन एक अच्छी बात हुई है मैडम कि ये खुद यहाँ पर वापस लौट आई। चिड़िया खुद से पिंजरे से बाहर निकल तो सकती है, पर खुद से वापस नहीं लौट सकती। किसी ने तो इसकी मदद की है, पर किसने? इस पर नजर रखो और अगर कोई मिलने आए तो फौरन मुझे खबर दो। जी। भाई ये इसकी भी ना। कार्तिक, उस लड़की का नाम मत ले मेरे सामने। भाई आपका बीपी क्या हुआ? इश्की का नाम लेती बेसमेंट से बुर्ज खलीफा पहुंच गया। वेरी फनी। वैसे भाई जोक्स अपार्ट, ये इश्की इफेक्ट ना आप पे कुछ ज्यादा असर कर रहा है। हाँ तो क्या करूं, मैं क्या करूं? कि शक्ल देखते मेरा दिमाग खराब हो जाता है। भैया हमने ना एक सिनेमा देखा था, तो उसमें क्या होता है, हीरोइन जो है ना दुनिया को कहता है कि गुस्सा प्यार की पहली सीढ़ी होती है। अबे सीढ़ी नहीं, सीढ़ी। ओ सीढ़ी, अरे हमको लगा वो सिनेमा में आती थी ना दो सीढ़ी, पहली खत्म तो दूसरी लगाओ। पहले सीढ़ी में गुस्सा, दूसरी सीढ़ी में प्यार। वैसे इश्कान की पहली सीढ़ी चल रही है गुस्से वाली। इश्कान? वो इश्कान भैया, इश्की आहान इश्कान। अरे कपिल नेम भैया, कपिल नेम नहीं, कपल नेम, कपल। अरे भैया क्यों हर बार टोकते हो हमको, समझ गए हम, कपल नेम सीढ़ी, सही है? ए चुप, बकवास बंद करो दोनों। ये तो वाईफाई का पासवर्ड बदल दूंगा मैं। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं भैया ऐसा बिल्कुल मत करना, अनर्थ हो जाएगा। हम सिनेमा कहाँ देखेंगे? तो फिर अगली बार ये विश्कान विश्कान ये सारी बातें मत किया करो। ठीक है, अब खड़े क्यों, जाओ जाके काम करो। भाई सही तो कपल नेम है। ए कार्तिक अब तू जोक को प्रोलॉन्ग मत करो, ओके? मैं और वो लड़की ना, हम दोनों का नाम कभी नहीं जुड़ सकता। पता नहीं सरला आंटी ने क्या देखकर उसे जॉब पे रखा हुआ है। लड़की वाले ना तो कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए झेलना पड़ रहा है। वरना उस लड़की को ना कभी घर पे घुसने नहीं देता, उससे बात भी नहीं करता मैं कभी। Never say never. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.